बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ एक भारत के बच्चे का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है पाठ एक भारत के बच्चे, उसके नीचे साइड में लिखना है एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ लिखना है अर्थ। पहला शब्द है साहस, साहस का अर्थ होता है हिम्मत। अगला शब्द है तन, तन का अर्थ होता है शरीर। टक्कर लेगा, टक्कर लेगा का अर्थ है मुकाबला करेगा। बाधाओं, बाधाओं का अर्थ है कठिनाइयों। तनिक, तनिक का अर्थ है जरा या थोड़ा। न्यौछावर, न्यौछावर का अर्थ होता है बलिदान। पूर्ण, पूर्ण का अर्थ होता है पूरी। अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ है इच्छा। अब आइए हम करते हैं इसी पाठ का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न से लिया गया है। प्रश्न है, चट्टाने किसकी प्रतीक हैं? उत्तर है, चट्टाने कठिनाइयों की प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है, भारत के बच्चों के कोई दो गुण लिखो। उत्तर में आप लिखेंगे, भारत के बच्चे साहसी और देशभक्त हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे नई राह कैसे बनाएंगे? इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, बच्चे चट्टानों अर्थात कठिनाइयों को काटकर नई राह बनाएंगे। अगला प्रश्न दिया है, भारत माँ की अभिलाषा कैसे पूरी की जा सकती है? उत्तर में आप लिखेंगे, अपना सब कुछ बलिदान करके भारत माँ की अभिलाषा पूरी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, बच्चे कैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं? उत्तर में आप लिखेंगे, बच्चे गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। अगले दिन आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें हामिद नाम का एक लड़का मेला देखने जाता है, मगर क्या खाता है, क्या खरीदता है, यह तो आपको कहानी सुनने पर ही पता चलेगा। तब तक आप पाठ एक के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को सब कॉपी में अच्छी लिखावट के साथ लिख लेंगे।